ELSS स्टेटमेंट डाउनलोडिंग फ्रॉम जरोदा और स्लैश क्वाइन। क्वाइन जो है इनका म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ELSS जो है इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज़ है जिसमें इन्वेस्ट करके अपन इनकम टैक्स बचाने बचाते हैं। तो उसका जो स्टेटमेंट है हमें जो एम्प्लॉयर को देना होता है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो उस सबसे पहले हमें क्वाइन जो जरोदा का प्लेटफॉर्म है उस पर लॉगिन करना है। तो वहाँ तक पहुँचने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला तो है आप काइट जो है kite.jaroda.com पे आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो लॉगिन मैंने किया, उसके बाद यहाँ जाओगे आप, यहाँ पे जो प्रोफाइल है राइट हैंड साइड में, तो क्वाइन में जाने का, तो ये आपको एक डैशबोर्ड खुलेगा। तो इस डैशबोर्ड में आपको बॉटम पे जाना है। तो बॉटम पे आप जाओगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना ELSS इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करोगे। तो अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जो अप्रैल से चालू हुआ है वो सेलेक्ट करना है। उसके अलावा दूसरा जो तरीका है कॉइन पे आने का वो है डायरेक्टली आप कॉइन सर्च करो, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। डायरेक्टली कॉइन जरोदा सर्च करने का तो ये आएगा, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे जो लॉगिन आप करोगे सेम काइट आईडी एंड पासवर्ड एंड इसके बाद लॉगिन जो करोगे तो यही सेम प्लेटफॉर्म आएगा। इसमें आप जब यहाँ पे अगर हो तो आप डायरेक्ट डैशबोर्ड क्लिक करोगे तो इस डैशबोर्ड स्क्रीन पे आओगे। तो यहाँ पे चलो हम सेलेक्ट करते हैं, अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसको हमने सेलेक्ट किया। तो इसने बोला कि ELSS स्टेटमेंट हैज़ सेंड टू योर ईमेल। तो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है जिस पर डेली स्टेटमेंट्स आते हैं ट्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, उस मेल आईडी पे आपको ये PDF सेंड कर देगा। तो अभी आप मैं देखूँगा तो ये मेरे को ईमेल रिसीव हो गया अभी। तो इस मेल में आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर सकते हो या उनके जो प्लेटफॉर्म होते हैं जिस पर जनरली वो अपलोड कराते हैं वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो ये जो ELSS स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा दिखता है। योर नेम, पैन कार्ड एंड अदर डिटेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई होप यू विल सेव योर टैक्सेस।